कोरोना महामारी में उज्जैन में लोगों को ऑक्सीजन की कमी और समय पर स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं मिलने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार धरने पर बैठ गए हैं। विधायक परमार द्वारा लगातार समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन उनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं थे। महेश परमार ने कहा कि उज्जैन को मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आवश्यकता है, लेकिन वे पिछले 4 दिनों से उज्जैन में नहीं है। सरकार उज्जैन की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उज्जैन में सभी हॉस्पिटलों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है और ना ही ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। इस भूख हड़ताल में महेश वर्मा विधायक के साथ पार्षद बीनू कुशवाहा, कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल, कमल चौहान मौजूद हैं। इस समय हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सरकार को मुख्यमंत्री जी को जगाए। मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। पिछले 1 महीने से हमने खूब धैर्य रखा, खूब सुझाव दिए, लेकिन कहीं विपक्ष को जोड़ना नहीं चाहता है। और इनकी नाकामी और इनकी गलती के कारण, इनकी अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साथ ही बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और जो प्रशासनिक लोग अधिकारी वो मेहनत कर रहे हैं। सरकार कहाँ दिख रही है? शिवराज सिंह चौहान जी, इनके मंत्री मोहन जी कहाँ है? पिछले 3 दिन से कहाँ दिख रहे हैं प्रभारी मंत्री जी? तो ये बात हम जगाने के लिए उज्जैन की जनता को और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना के लोगों को, जो मरते हुए पूरे जिले को हम देख नहीं सकते, आप खुद देख रहे हैं, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जब कोई मरीज लेकर आता है तो पहले सिलेंडर लेने के ढूंढने के लिए भागता है, तो उसको पलंग नहीं मिलता है, उसको दवाई नहीं मिलती है, जिसकी कीमत 1,000 रुपये 10,000, 20,000, 30,000 रुपये निकल मिल रहे हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपवास पर बैठे हैं, ये हमारी मुख्य मांग। विधायक जी की जो मांग थी उनका कहना था कि जितने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता और इंजेक्शन जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता के संबंध में उन्होंने अपनी मांग रखी है, और ये उसमें कहा है कि जितने भी जितनी आवश्यकता है उसके उसकी तुलना में यहाँ पर कम हो रहा है, तो उनकी वो संख्या बढ़ाई जाए। तो सभी लोग अवगत है, माननीय विधायक जी भी अवगत हैं कि जो संख्या है वो निरंतर उसमें मरीजों की बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार शासन प्रशासन और सरकार भी अपने निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जो बेड की उपलब्धता है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है, और साथ में जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन की जो मरीजों के लिए आवश्यक है उसको भी निरंतर रूप से बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं किसी को कोई कमी ना आना दी जाए, और जहां पर प्राथमिकता हो वहां पर प्राथमिकता से इसकी आपूर्ति की जाए। उज्जैन से EMS TV के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।